इस बैग के अंदर एक छोटी थैली है, उसके अंदर है, ले ले। अच्छा? वैसे मुझे ये बता कि गोपी ने अभी तक सबको बताया नहीं ना अपने जन्मदिन के बारे में? नहीं, अभी तक कुछ नहीं बताया। देखो मुझसे ये सब नहीं हो रहा है, आप मुझे निकाल के इसमें डाल दो। ठीक है ठीक है। उर्मिला बेन, मामी जी नाश्ता। नहीं अब मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे? गोपी वाऊ, नाश्ता टेबल पर रख दो, तुम्हारी मामी जरूर खाएगी। अने हाँ, बिना खाना खाए तो आप नहीं जा सकती हैं अब। नहीं नहीं वेवान जी, हूँ तो थोड़ी बार मां जाती रही। ऐसे कैसे चली जाएंगे आप? मोदी परिवार का चलन है, अपने मेहमानों को भर पेट खाना खिलाकर ही जाने देते हैं। इसलिए खाना खाकर ही जाना होगा। शुं अच्छे, आप इतना पसीना पसीना क्यों हो रही हैं? नहीं नहीं सब ठीक है। उर्मिला बेन, सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। आप परेशान लग रही हैं विवान जी। नहीं नहीं बातों बराबर छे। मामी जी, मैं आपके लिए नींबू पानी बना के लाऊं, पी के आपको अच्छा लगेगा। नहीं नहीं ठीक है सब। लग रहा है कि पेट में कुछ गड़बड़ है, थोड़ी वायु सी घूम रही है। मुझे जरा बाथरूम चाहिए ना। हाँ मम्मी आइए, मैं आपको बाथरूम ले चलती हूँ। मम्मी जी मैं इन्हें बाथरूम में। एक मिनट राशि, ये चूहेदानी लेकर बाथरूम में क्यों जा रही हो? Excuse me? जी क्या चाहिए आपको? आप मुझे अलग अलग तरह की बनियाने दिखाई। ये लीजिए जल्दी देखिए, मुझे बहुत काम। मॉडर्न क्या? आपकी उम्र क्या है? आपसे मतलब? और आप होते कौन है ये सब पूछने वाले? सॉरी सॉरी, आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपकी हाइट कितनी है। आपको अगर कुछ खरीदना है तो खरीदिए और लेकर जल्दी से जाइए। लेकिन मैडम, आपको समझ में नहीं आता? अगर आपको कुछ नहीं खरीदना है तो इट्स ओके। लेकिन मैडम तेरी बात तो सुनिए। आप सीधे सीधे जाते हैं यहाँ से कि मैं पुलिस को बुलाऊं? आप तो मुझे गलत समझ रही हैं। देखिए यही राजकोट में एक छोटी सी एड एजेंसी है जिसमें मैं काम करता हूँ और मुझे एक मॉडल की तलाश है। मॉडल? आप किसी मॉडल से कम नहीं है। मॉडल? हाँ मुझे देखते ही लगा था, क्या परफेक्ट फिगर है, कितना खूबसूरत चेहरा है। मॉम आज लंच अगर जरा जल्दी कर लें तो मैं गोपी को पढ़ाने बैठ जाऊंगा।
कि आज चूहे के चक्कर में ये बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाई। सारवहम दिख रहा, मैं अभी खाना परोस देती हूँ तुम्हें। गोपी वाओ, जाओ जाकर अपनी किताबें निकालो। जी माँ जी। माँ जी, वो मुझे आपको आज कुछ बताना है।